दोस्तों, इन दिनों हर किसी के सिर पर रॉकी भाई का भूत सवार है, जो कि केजीएफ में यश का किरदार है। कई लोगों ने इस मूवी को पॉजिटिव लिया और अच्छी बातें सीखी, हालांकि बहुत से लोग इसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं और गलत कारनामे कर रहे हैं और असल लाइफ में डॉन बनने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के एक सिनेमा घर में एक अज्ञात व्यक्ति ने दबंग स्टाइल में दूसरे व्यक्ति को उसकी जरा सी गुस्ताखी पर गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक के हावेरी में राजश्री सिनेमा घर में एक 27 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने दो बार शूट किया। ये घटना उस समय हुई जब सिनेमा घर में केजीएफ चैप्टर 2 का शो चल रहा था और अपनी अपनी सीटों पर दर्शक फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। KIMS अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक घायल युवक का नाम वसंत कुमार है, जो मुगली गांव का रहने वाला है और वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आया था। दरअसल शो के दौरान घायल शख्स ने अपने पैर आगे की सीट पर रख दिए थे, जिस पर दूसरा व्यक्ति बैठा था, और उसे ये गुस्ताखी अच्छी नहीं लगी। फिर दोनों के बीच बहस हुई और सामने की सीट पर बैठे व्यक्ति ने थिएटर छोड़ दिया और बाद में पिस्तौल के साथ लौटा। गुस्साए शख्स ने सिनेमा में एंटर करते ही वसंत कुमार पर दो राउंड फायरिंग कर डाली। मामले के बाद घायल शख्स अस्पताल में है, लेकिन शूट करने वाला लापता है। स्थानीय पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दोनों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी थी और न ही घायल व्यक्ति का बाहर के अन्य लोगों से कोई लेना देना था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि आरोपी ने 3 राउंड फायर किए, पहले हवा में और 2 पीड़ित की ओर। हादसे के तुरंत बाद थिएटर में मौजूद लोग भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। तो दोस्तों, आप ऐसे आरोपियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।